छपरा मुठभेड़ में शहीद हुए दरोगा मिथिलेश के परिजनों से मिलने आरा पहुंचे जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक के सुप्रीमो पप्पू यादव ने पक्ष और विपक्ष दोनों पर जमकर भड़ास निकाली है। उन्होंने कहा कि सत्ताधारी दल हो या विपक्ष हो, सभी अपराधियों को संरक्षण देते हैं। सत्ताधारी दल अपराधियों को संरक्षण देता है, यह बात बिल्कुल सत्य है, यह कहना है पप्पू यादव का। उन्होंने कहा कि मेरी यही सबसे बड़ा सवाल है कि हर शहर में अपराधियों का प्रमोशन बल के आधार पर होता है। दल तय करता है कि कौन अपराधी मेरा होगा और कौन अपराधी मेरा नहीं होगा। सियासत सत्ता लाभ फायदा और नुकसान को देख ध्यान में रखकर अपराधियों का मूल्यांकन किया जा रहा है। किसी भी अपराधियों को संरक्षण पार्टी सरकार और विपक्ष दोनों देती है, क्योंकि सियासत और सत्ता का खेल बगैर माफिया के बगैर पार्टी के संरक्षण दिए हो ही नहीं सकता। और सत्तारूढ़ दल ने इस बात को स्वीकार कर ली है कि हमें सत्ता में रहना है तो जातीय हिंसा को जिंदा रखना होगा, हमें धार्मिक एवं मजहबी अपराध को जिंदा रखना होगा। हर शहर में अपराधियों का प्रमोशन दल के आधार पर हो रहा है। दल तय करता है कि कौन अपराधी मेरा होगा, कौन अपराधी मेरा नहीं होगा। सियासत सत्ता के लाभ फायदे और नुकसान और नाफा को ध्यान में रख करके अपराधियों का मूल्यांकन होता है। किसी भी तरह की अपराधियों को संरक्षण पार्टी और सरकार और विपक्ष दोनों देती है, क्योंकि सियासत और सत्ता का खेल बगैर माफिया के बगैर पार्टी का संरक्षण दिए बगैर अपराधियों के हो ही नहीं सकता। और सत्ता इस बात को स्वीकार कर ली है कि हमें सत्ता में यदि रहना है तो हमें जातीय अपराध को जिंदा रखना हो, हमें धार्मिक और मजहबी अपराध को जिंदा रखना हो। ये कंप्लीट रूप से सत्ता का मानना है। और सत्ता इस दौरान पप्पू यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इन सब बातों को कहा। इनके साथ जन अधिकार पार्टी के युवा नेता अविनाश कुमार उर्फ लड्डू यादव, डॉक्टर ब्रजेश, मनोज सिंह सहित कई नेता उपस्थित थे। जन अधिकार पार्टी के युवा जिलाध्यक्ष रघुपति गोप भी इस दौरान उपस्थित थे। ऐसे ही खबरों को जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और देखते रहिए फोर्थ पिलर यूट्यूब चैनल।